हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी समीर की दुनिया। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि उनको सिलाई में कुछ प्रॉब्लम आती है, किसी को कटवर्क के पाँचों में पाइपिंग चाहिए और किसी की कुर्ती में फिटिंग नहीं आती है, किसी का नेक गिरता है और किसी को शरारे की कटिंग चाहिए, किसी को नायरा कुर्ती में प्लेट्स किस साइड डलनी चाहिए, उस सबके सॉल्यूशन की वीडियो आपके लिए ज़रूर अपलोड होने वाली है जल्द से जल्द। मेरे चैनल पे नए हैं और आपको अगर कोई सिलाई के पर्पज़ से कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसकी सॉल्यूशन के लिए एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँ। आज के ब्लॉग में हम सीखेंगे, आपने अक्सर देखा होगा जो लेडीज़ के हम सूट सिलते हैं, जो बैक में हम पीछे की साइड दो प्लेट डालते हैं फिटिंग के लिए, वो आपने अक्सर देखा होगा जब लेडीज़ पहनती है और फिटिंग में सूट आता है तो वो खिंच जाती है। जैसे मैंने सैंपल के तौर पे ये रखा है कि मैंने खींचा भी था तो ये फट गया है। जो मेरा ये क्लाइंट है जिनका ये सूट है, ये कॉटन का सूट है, मैंने उनको इनर का सजेशन किया था कि इसमें आप अस्तर लगवाइए, बट गर्मी के कारण उनको अस्तर इसमें नहीं लगवाना, तो उन्होंने ये बोला कि इसमें प्लेट भी उनको ज़रूर चाहिए थी। तो ये कपड़ा इतना हल्का है कि इसके इसमें अगर हम बैग में प्लेट डालेंगे तो वो कपड़ा खिंच जाएगा, फट जाएगा। और होता ये है कि अक्सर हम कुछ लाइनिंग के सूट भी ऐसे सिलते हैं कि उसमें अस्तर लगाने के बाद भी बैग से वो प्लेट खिंच जाती है, तो इसी का मैं आज सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। एक सिंपल सी छोटी सी ट्रिक है, वो अपने आप फॉलो करेंगे तो क्या कपड़ा कहीं से कहीं तक भी नहीं खींचेगा, वो एज इट इज़ ऐसा ही रहेगा। तो आइए जानते हैं कि वो ट्रिक क्या है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि मैंने इसमें आपको दिखाने के लिए मैंने प्लेट डाली थी तो ये कपड़ा सारा खिंच गया है और ये फट भी गया है यहाँ से मेरा हल्के से खींचने से। तो अब मैं आपको इस सूट में दिखाता हूँ कि इस सूट में किस तरह से आपको प्लेट डालनी है बिना लाइनिंग के, जो कपड़ा ना खींचे। जैसे मैं प्लेट डालता हूँ 8.5 इंच की, आप जितने भी इंच की प्लेट डालते हो, जैसे मैंने ये 8.5 इंच की प्लेट ली है, मैं 8.5 इंच की प्लेट डालता हूँ। तो अब इस कपड़े को कर देंगे साइड। अब हमें जो लेनी है पट्टियाँ लेनी है दो, ये दो पट्टियाँ लेनी है। हमें ये पट्टियों का मेथड कैसे लेना है, अगर हमारी प्लेट 8.5 इंच की है तो हम लोग कपड़ा लेंगे 1.5 इंची फालतू, जैसे 8.5 में 1.5 इंची प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 10 इंच। तो ये 10 इंच की पट्टियां हैं। अब हम क्या करेंगे, 10 इंच की है तो हम लोग इसका हाफ कर देंगे 5, दोनों पट्टियों पे हम 5-5 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये हमने 5 इंच पे निशान लगा लिया। अब हमारी पट्टी की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंची है, आप लोगों को आसानी रहेगी और आगे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो आप चारों साइड इसमें ओवरलॉक कर लीजिए। अब ये भी ओवरलॉक करने के बाद 2.5 इंची बची है तो मैं 2.5 इंची का हाफ कर दूंगा 1.25 इंच, तो 2.5 इंची का हाफ आएगा 1.25 इंच। तो हम 1.25 इंच पे निशान लगा लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद जो हमारा सेंटर है, हमारी सूट में प्लेट जो 8.5 इंची है तो हम 8.5 इंची का हाफ लेंगे 1.25 यहाँ पर मार्क करेंगे और 8.5 ये, मतलब 1.25 ये 1.25 ये, 8.5 इंच की हमें प्लेट मिल गई। ऐसे ही हम यहाँ मार्क कर लेंगे 8.5 और बी सेंटर में लाइन खींच लेंगे। अब हमको करना क्या है, हम इसमें ये जो हमारे सूट की प्लेट है जो निशान लगा रखा है, आपको निशान सूट पे भी लगाना है और प्लेट के कपड़े पे भी लगाना है जो हम लगाएंगे। तो अब ये हम यहाँ से जो हमारा जो प्लेट है यहाँ और यहाँ मिलाकर यहाँ पर कच्चा मार लेंगे। जैसा कि हमारा ये पॉइंट है जो हमने प्लेट पे भी पॉइंट लगाया था, इसको मैच करते हुए अब हम इस पर कच्चा मार लेंगे, लॉक करेंगे और जैसे जैसे आ रहा है निशान वैसे वैसे स्ट्रेट सिलाई लगा लेंगे, लॉक करेंगे। अब इस कपड़े को जैसे हम प्लेट डालते हैं ऐसे ही हम प्लेट डाल लेंगे, कपड़ा उठाकर जितनी भी हमें प्लेट डालनी है हम कपड़ा उठाकर प्लेट डाल लेंगे। ऐसे ही आप दूसरी साइड की भी प्लेट रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमारी ये सूट में प्लेट डल चुकी है, हमने ये कपड़ा लगा दिया इसमें और ये प्लेट डाल दी है। अब इसको कितनी भी टाइट फिटिंग हो ये कपड़ा नहीं खींचेगा। अब आप देख सकते हैं ये कपड़ा कहीं भी मैं हाथ से भी खींच रहा हूँ तो ये कपड़ा नहीं खींचेगा।
आई होप आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई होगी, यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको सिलाई में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि आपके सॉल्यूशन के लिए एक वीडियो अपलोड ज़रूर करूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, आगे शेयर करिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में एक एंटरटेनिंग वीडियो के साथ, एक यूज़फुल टिप्स के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।